सक्सेस, तरक्की क्यों कुछ लोगों को मिलती है और दूसरों को नहीं मिलती है? इसका कारण क्या है कि बस कुछ लोग बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, कुछ लोग दिखने में तो बहुत सुखी लगते हैं, पता नहीं अंदर से हैं भी कि नहीं, लेकिन हम लोगों का सोचना क्या है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसने ज़्यादा बंगले बना लिए, जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वही खुश है, वही सक्सेसफुल है। चलो आज सक्सेस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तरक्की को। कुछ लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं हमारी नज़रों में, तो वो कैसे होता है? एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक ही घर में चलो 5 बेटे हैं उदाहरण के तौर पे, अब पांचों लड़के वही खाना खाते हैं, उनके वही माँ बाप हैं, वही वातावरण है, उसी में वो पले बड़े हैं, घर का एटमॉस्फेयर भी वही है, लेकिन कोई लड़का बहुत तरक्की कर जाता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे निकल जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई एक मामूली सा गाड़ी का मैकेनिक बन जाता है, कोई कहो तो शराब की लत में लग जाता है, और कोई गुंडागर्दी करने लग जाता है। वही 5 बेटे उसी फैमिली से आए हैं, उसी खानदान से आए हैं, तो क्यों वो एक जैसे नहीं होते? क्योंकि बाहर का जो सिचुएशन है, बाहर की जो उनके ऊपर जो सिचुएशंस आती हैं, वो तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो हमारे वश में नहीं है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या होगा किसके साथ, वो कोई नहीं कह सकता, और ना वो हमारे अपने वश में है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है आपके जवाब में, आपके रिएक्शन में। बाहर का तो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब वो सिचुएशन हमारे साथ होती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका हमारा जवाब क्या है, वो तो हमारे वश पे है, वो तो हमारे ही कंट्रोल में है ना। बस फर्क यही आता है, जो भी हम जवाब देते हैं, जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जिस तरह से हमने उस सिचुएशन पे रिएक्ट किया है, उस बाहर के जो हमारे पास जो सिचुएशन आई है, उस पे हमारा रिएक्शन है, सारा फर्क यहीं आता है। और यही इन पांचों भाइयों को अलग करती है। एक दूसरा उदाहरण समझिए। हम 5 लोगों को 1-1 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं भाई 1 साल के बाद आके हमें मिलो। अब उनमें से कुछ 1 लाख का 10 लाख कर लेंगे, कुछ 1 लाख का 1 करोड़ कर लेंगे, कुछ 1 लाख को डुबो देंगे और कुछ तो 1 लाख के उधार में ही आ जाएंगे। तो 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जिन 5 लोगों को हमने 1-1 लाख रुपए दिए, किसी ने तो 1 लाख उड़ाए नहीं, वो तो 1 लाख के उधार में ही आ गया, किसी ने 1 लाख के 1 करोड़, 10 लाख बना लिए। तो ये कैसे होता है? ये होगा आपके रिएक्शन पर। जैसे जैसे आप लोगों के पास जिंदगी बीतती गई, आपके पास जिंदगी ने जो दिन दिए, कुछ कुछ हुआ आपके साथ, उस
पे तो आपका कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन आपने उस सिचुएशन में जवाब कैसे दिया, आपने रिएक्ट कैसे दिया, सारी बात इस पे आ जाती है। इसीलिए कहते हैं जिसका मन समता में है, जो बैलेंस्ड माइंड है, जिसका मन एकदम बैलेंस्ड है, समता में है, वो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता है और उसी तरह से उसका जवाब देता है। इसीलिए कहते हैं अपना मन समता में रखिए। और ये मन समता में कैसे आएगा? ध्यान लगाने से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन आपको मन समता में लाती है, आपका मन शांत करती है, आपको एक प्रसन्न मन बनाती है। सारा जिंदगी का मकसद यही है। ढेर सारे पैसे आ जाएं, ढेर सारी गाड़ियां आ जाएं, ढेर सारे बंगले आ जाएं, सब कुछ आ जाए, लेकिन खुशी नहीं होगी तो इन सब का कोई मायना नहीं है। जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, असली खुशी किस में है? असली खुशी एक प्रसन्न मन में है। प्रसन्न मन, शांत मन, उसी में है। वो कैसे आता है? वो ध्यान लगाने से आता है। और ध्यान को सही तरीके से सीखना आना चाहिए। लर्न द मेडिटेशन द राइट वे, डू द मेडिटेशन द राइट वे। थैंक यू सो मच।